अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्राइम स्पीक्स। एज एक्सपेक्टेड, जैसे उम्मीद थी, भारत ने पाकिस्तानी आइलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सबसे पहले मैं मैच के ऊपर फिर आता हूँ, मैच के ऊपर मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि पिच के ऊपर क्रिकेट के जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सवाल आने से आने। इस पिच के बारे में बात करूँ तो ये पिच जो है ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट की गई है, ड्रॉप इन पिचेज नहीं, यानी ये कि पिच जो है ग्राउंड के अंदर लग जाती हैं आर्टिफिशियली। तो ये पिचेज जो हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं, और अगर दो मैचेस की बात करें इसके ऊपर अब तक दो मैचेस खेले गए। पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के दरमियान खेला गया, इसके ऊपर श्रीलंका 77 रन पर ऑल आउट हो गया। जी हाँ, 77 रन के अंदर ऑल आउट, और वो टारगेट हमें उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका बहुत जल्दी चेस कर लेगा, लेकिन वो टारगेट भी साउथ अफ्रीका ने 17 ओवर्स के अंदर चेस किया। इस मैच के अंदर एक रिकॉर्ड भी बना, बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा डॉट्स बॉले, यानी बगैर कि जो जिस बॉल के ऊपर कोई रन स्कोर नहीं हुआ, वो इसके अंदर रिकॉर्ड बना के इस मैच के अंदर हुई तकरीबन राउंड अबाउट 115-120 के दरमियान, यानी 20 ओवर के अंदर कोई स्कोर ही नहीं बना इस मैच के अंदर, क्वाइट इंटरेस्टिंगली। अब आते हैं आज के मैच के ऊपर। तो भारत ने पहले टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया, ये उम्मीद थी कि ये पिच है जिसके अंदर नई बॉल होती है ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर, तो बॉल स्विंग और सीम होती है। तो भारत ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और आयरलैंड 96 रन पर ढेर होगी 96 रन के ऊपर। भारत की जानिब से नई बॉल काफी अच्छी की गई, नई बॉलिंग जिसमें अर्शदीप और सिराज ने आगाज किया। मैं अगर उनकी बॉलिंग की बात करूं तो हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, बुमराह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अर्शदीप सिंह जो कि इनके लेफ्ट आर्म पेसर हैं उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस तरीके से एक खिलाड़ी भारत का रन आउट हुआ और एक उनका पटेल बॉलर हैं लेफ्ट आर्म, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। के बाद अगर भारतीय बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भारतीय इनिंग्स का आगाज किया, और विराट कोहली 8 सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखता चलूं कि विराट कोहली ने आयरलैंड के खिलाफ 3 इनिंग्स खेली हैं और 3 इनिंग्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 10 रन स्कोर किए हैं। ये क्वाइट विराट कोहली जैसे कैलिबर जैसे प्लेयर के लिए काफी जो है लो स्टैंडर्ड हो गया है कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वो रन स्कोर करने में काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आज भी वो एक शॉट मारने गए थे, बाहर निकल गए, टॉप एज लगा और थर्ड मैन के ऊपर वो आउट हो गए। तो इसके बाद आज के मैच की खास बात रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने नाकाबिले शिकस्त 52 रन की इनिंग्स खेली। उनके आज कंधे में मेरा ख्याल है बॉल लगी थी जिसकी वजह से वो रिटायर हर्ड हो गए, क्योंकि 9 जून को बहुत बड़ा मैच है, तो उससे कबल वो मजीद अपनी इंजरी को कोई ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते थे। जहां तक बात है कल के मैच के ऊपर अगर मुख्तसर बात करें तो कल पाकिस्तान और यूएसए का मैच है और बहुत अहम मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है, खुदा ना खौफ यूएसए के हाथों, तो पाकिस्तान के आगे जितने भी मैचेस हैं वो नॉकआउट हो जाएगी, यानी 9 जून को पाकिस्तान भारत से खेलेगा, उसके बाद पाकिस्तान का मैच कनाडा, उसके बाद आयरलैंड के साथ है, तो काफ़ी मुश्किल का सामना बन जाएगा। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ हराना है यूएसए को, बल्कि अच्छे मार्जिन से तगड़ा मैच करके हराना है, क्योंकि यूएसए का पहला टूर्नामेंट है आईसीसी, पाकिस्तान को ये मैच आसानी जीतना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कल के मैच के ऊपर बात करेंगे। आखिर में ये कि कल पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच है। सऊदी अरब की टीम जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान वर्ल्ड कप की फातह टीम अर्जेंटीना को हराया था, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्लामाबाद में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान फुटबॉल टीम को भी लाजमी सपोर्ट करें और उनके लिए चीयर अप करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।